नाहन बस अड्डा के समीप शीतला माता मंदिर में बासड़े पर्व पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में माथा टेकने पहुंचे। यहां माता के दरबार में बासा भोजन प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। नाहन बस अड्डे के समीप माता शीतला के मंदिर में श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में शीश नवाया। चैत्र मास के पहले और दूसरे मंगलवार को यहां पर लोग बड़ी संख्या में माथा टेकने के लिए पहुंचते हैं। खास बात यह है कि सोमवार को लोग जो अपने घरों में पकवान बनाते हैं उसी पकवान को सोमवार देर रात 12 बजे के बाद मां के दरबार में चढ़ाते हैं। यही कारण है कि यहां बासा भोजन चढ़ाने की वजह से इस पर्व को बासड़े कहा जाता है। मान्यता के अनुसार यहां नवविवाहित जोड़े और छोटे बच्चों को माथा टेकने के लिए विशेष रूप से लाया जाता है। मान्यता ये भी है कि यहां पर दर्शन करने के बाद बच्चों को भविष्य में चिकन पॉक्स जैसी बीमारी नहीं होती है, अर्थात शीतला माता बच्चों को शीतलता प्रदान करती है और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। हमारे नाहन नगर में माता शीतला माता का प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर के प्रति, माता के प्रति जनभावना से लोगों में सब कुछ जुड़ा हुआ है और पहले दिन सभी नागरिक अपने घरों में पकवान बनाते हैं और रात को 12 बजे ये कार्यक्रम शुरू हो जाता है। मतलब नगर में बहुत दूर दूर से लोग इस स्थान पर अपनी आस्था को लेकर आते हैं और जो भी बच्चों के प्रति मान्यता होती है उसको माता पूर्ण करती है और इसी आस्था के साथ यहाँ पर बड़ी लंबी कतारों में भव्य अपनी आस्था को जुटाए लोग आते हैं। बासड़े होते हैं मार्च महीने में ना, पहला जेठा मंगल होता है, इसमें दूर दूर से आते हैं लोग ना मत्था टेकने के लिए। बच्चों के लिए जो भी मांगते हैं वो मिल जाता है यहाँ। बच्चों के लिए अच्छा है बुलगुले पूरी, गुड़ की बेली, बधाई, बासा भोजन। सिटी चैनल के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट।